गाड़ियों में सवार होकर आए 30 से ज्यादा बदमाशों ने अपना खौफ बनाने के लिए लोगों पर हथियार से हमला कर दिया। बदमाश तलवार, सरिये, लाठी व पिस्तौल से लैस थे। इस हमले में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस मामले से लोगों में आक्रोश है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर गुरुवार को बाजार बंद रखा गया है। घटना बुधवार रात को करीब 10 बजे मांडल थाना इलाके के हरिपुरा चौराहे पर हुई है। घटना के बाद हरिपुरा पुलिस चौकी से जवान मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक सभी बदमाश फरार हो गए। इस घटना को लेकर थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। मांडल थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि हरिपुरा निवासी राजू पुत्र भैरू कुमावत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि हरिपुरा चौराहे पर ही उसकी दुकान है। रोज की तरह बुधवार को काम खत्म कर वह अपने भाई के साथ दुकान के बाहर बैठा था। इस दौरान 3 गाड़ियों में 30 से ज्यादा लोग हथियार लेकर आए और राजू कुमावत, नारायण कुमावत, सोहन कुमावत, राधेश्याम कुमावत व अन्य महिलाओं पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनमें से राजू कुमावत व नारायण कुमावत की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद इन बदमाशों ने चौराहे पर काफी तोड़फोड़ भी की। इसके बाद चौराहे पर मंदिर की दुकान किशन माली व राजू माली के सब्जी के ठेले पर भी काफी तोड़फोड़ की है। बदमाशों द्वारा लोगों पर किए गए हमलों का वहां के ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में वीडियो भी बनाया। वीडियो में हथियारों से लैस बदमाश लोगों को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे थे। पुलिस ने इस हमले में शामिल सुरेश गुर्जर, राम प्रसाद गुर्जर, दिनेश साहू, रामजस जाट, मुकेश गुर्जर, लाला राम गुर्जर, नयना राम लोहार सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया है। हरिपुरा चौराहे पर बदमाशों द्वारा इस तरह से हमला करने को लेकर व्यापारियों ने गुरुवार को आक्रोश जताया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार बंद रखा है। कल रात 10:30 बजे बदमाश हथियार लेकर 10 गाड़ियों के साथ आए। 40 बदमाश थे और हथियारों के साथ आए। हरिपुरा चौराहे पर जितनी भी गाड़ी है उनको तोड़ फोड़ कर दी गई और जयरुद्दीन सरवा के घर में घुसकर दुकानों में तोड़ फोड़ की। राजू सरवा के सिर पर हथियारों से वार किया और MG हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया। 7 टांके सिर में आए और आज हरिपुरा चौराया इन अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए पूरा हरिपुरा चौराया बंद है और जरूरत पड़ी तो आज हरिपुरा चौराया बंद है, भीलवाड़ा जिला भी बंद होगा। अगले 6 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए सभी बदमाशों की। ये हरिपुरा चौराहे की मांग है।